जितने लोग व्लॉग्स कर रहे हैं वेन्यू में सब गॉड लाइक प्लेयर्स को दिखाते हैं, आइकोसोल के प्लेयर्स को व्लॉग्स में दिखा नहीं रहा, ठीक है सोल फैंस गुस्सा है आप लोगों से। यार आइकोसोल के ना प्लेयर्स बहुत शाई हैं, इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द व्लॉगर्स, इट्स द प्लेयर्स बहुत शाई हैं, वो ज्यादा खुल के बात नहीं करते, तो अगर कोई शूट भी करता है ना फिर वो एडिटिंग में कट जाता है क्योंकि वो आवाज ही नहीं आती है, वो धीरे बात करते हैं, वो शाई हैं थोड़े से। तो हम ना मान उसको ढूंढेंगे, आज मायावी को ढूंढेंगे, उसको व्लॉग में लाएंगे, चलेगा? स्पिर भाई कैन सोल क्वालिफाई? या दे कैन मैन, मान्या की तबीयत थोड़ी डाउन है तो नकुल आइजलिंग कर रहा है। सोमय अच्छा लगा मुझे यार, सोमय इज अ गुड प्लेयर, या इज अ वेरी गुड स्पीकर, इज अ मस्ती स्लग जैसा। सोमय को चाहिए व्लॉग में, इफ यू वांट सोमय इन द व्लॉग प्रेस 1। जॉनी और स्काउट का रियूनियन करा दो लैन पर, वो ट्रॉफी से भी तगड़ा होगा। फिक्सेस जॉनी स्काउट का रियूनियन मांग रहे हैं लौंडे, उनके एक प्रोमो करा दो, वीडियो वीडियो कुछ करा दो। मैं कहाँ कराऊंगा, अच्छा मैं कहाँ कराऊंगा भाई। सो इम्पैक्ट प्लेयर का सिस्टम ऐसा है कि इम्पैक्ट प्लेयर अगले हफ्ते से सैटरडे संडे को काम आएगा। पहले जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि चार प्लेयर्स में से आईजीएल पर्ची निकालेगा, वो थोड़ी सी ना गलत हो गई है यार। मान लो मैं एक्स वाई जेड आईजीएल हूँ, मेरी टीम में दो बहुत ही शानदार सोल्टर्स हैं, क्रैट भाई और फिक्सेस, तो मैं दो प्लेयर्स के नाम दूंगा, उन दो प्लेयर्स की पर्ची आएगी, उन दो प्लेयर्स की पर्ची में से मैं एक पर्ची उठाऊंगा और वो मेरा असोल्टर बनेगा इम्पैक्ट प्लेयर। अब जो कह रहे थे ना कि क्या पता टीम का सबसे खराब प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर बन जाए, बाय द वे ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तुम्हारा भाई दे रहा है, तो लाइक करो फटाफट से। जो भी यहाँ पे काट रहा है मेरी स्ट्रीम को और डाल रहा है अपने चैनल में, नाम डाल देना बीच में कि स्पीरो के टीम से आया हूँ, ब्लॉग देख लेंगे मेरा थोड़ा बहुत, तो मजा आ जाएगा। दो प्लेयर्स का ही नाम होगा पर्ची पे जो आईजीएल बताएगा, उन दो में से एक चुना जाएगा एंड देन वो इम्पैक्ट प्लेयर बन जाएगा, जितने भी फ्लैग्स वो निकालेगा उसका डबल हो जाएगा, जो दूसरा प्लेयर रह जाएगा वो नेक्स्ट हफ्ते इम्पैक्ट प्लेयर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो फिक्सेस, यही फायदा होता है यहाँ पे आके बताने का सबको। देखो ये भी ना एक एक्सपेरिमेंटल फेज है, फिक्सेस एक्सप्लेन करेगा। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अगर ये चीज बदल गई तो ये मत बोलना कि कास्टर्स को नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बट राइट नाउ एज वी नो ऐसा ही है। चलिए ना।